हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं स्टडी मैनिया विद मनी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने हमारे चैनल स्टडी मैनिया विद मनी पर डेली करंट अफेयर्स शो शुरू किया है। तो आज हम 12 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स करेंगे। पहला है दोस्तों, हाल ही में लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया दोस्तों सिक्किम राज्य के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है? यह किया है दोस्तों 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है दोस्तों उर्जित पटेल को। बात करें हम दोस्तों AIIB की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? यह बन गए हैं दोस्तों भरत सुब्रमण्यम। अगला है दोस्तों, हाल ही में किसे ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये चुना गया है दोस्तों सतीश अड़िंगा को। अगला है दोस्तों, हाल ही में LLC ने किसे ऑल वुमेन मैच अधिकारी टीम का एम्बेसडर नामित किया है? ये किया है दोस्तों जूलन गोस्वामी को। अगला है दोस्तों, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? यह जीती है दोस्तों नोदिरबेक अब्दुस्त्रोवा ने। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? यह जीता है दोस्तों एस बाटी ने। अगला है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है दोस्तों ओ योरोक सू ने। अगला है दोस्तों, हाल ही में NSO ने FY 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? यह लगाया है दोस्तों 9.2%। ऐसे ही दोस्तों डेली करंट न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल स्टडी मैनिया विद मनी को देखते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप इस तरह की नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।